जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, एनाबेल सेतुपति या एनाबेल राठौर डिस्नी हॉटस्टार की एक अवेटेड मूवी थी, जिसे आज अब डिस्नी हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया गया है। और दोस्तों, हिंदी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ये मूवी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसकी रीच को मैक्सिमम बढ़ाना चाहता था डिस्नी हॉटस्टार। दोस्तों, लीड में आपको देखने को मिलेंगे विजय सेतुपति और उसके साथ साथ तापसी पन्नू। और जो ये कहानी है, ये कुछ ऐसे थीफ्स या चोरों की है जिन्हें एक हॉन्टेड हाउस में भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी उस दिन बदल जाती है जब उस हॉन्टेड हाउस का जो पर्पज है डराने का, वो डराने के बजाय एक फैमिली की तरह उनके साथ बिहेव करने लगता है। और वहाँ के जो घोस्ट हैं, वो उनके साथ साथ एक फैमिली की तरह बिहेव करने लगते हैं। और फिर आगे उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, ये आपको दोस्तों जो है देखने को मिलेगा इस मूवी में। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के क्या पॉजिटिव्स लगे और मुझे क्या थोड़े से इसमें नेगेटिव्स नज़र आए। दोस्तों, अगर मूवी के प्लॉट की बात करूँ तो ये काफ़ी फ्रेश प्लॉट है, और जिस तरीके से इसको क्रिएट किया गया है, जो इसे हॉरर कॉमेडी का नाम पहले दिया गया था, तो एक जो एक्सपेक्टेशन थी उससे वो ये थी कि आपको कुछ भूतिया टाइप का देखने को मिलेगा और फिर उससे कुछ हॉरर होते हुए, डर होते हुए आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, वैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेश तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है कि जो घोस्ट हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं। सो इट्स अ फ्रेंडली घोस्ट टाइप ऑफ अ कॉन्सेप्ट, जिस वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो इसका जो प्लॉट है काफ़ी फ्रेश लिया है, वहाँ पर आपको काफ़ी नयापन ज़रूर नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों, विजय सेतुपति और जो तापसी पन्नू का थोड़ा सा आपको रोमांस देखने को मिलने वाला है, वो थोड़ा सा मिर्च इसमें अच्छी डाली है मूवी में, जो कि थोड़ी सेकंड पार्ट की तरफ आएगी। फर्स्ट पार्ट में इनका कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा रोमांटिक एंगल। दोस्तों, अगर बात करूँ अब इस मूवी के लिमिटेशंस की, तो दोस्तों इसका जो आपको प्लॉट देखने को मिलेगा वो तो अच्छा है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि ये हॉरर कॉमेडी है, इसके अंदर ना हॉरर है ना कॉमेडी है। हॉरर आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि घोस्ट आर फ्रेंडली घोस्ट, और दोस्तों कॉमेडी कहीं ना कहीं सीधी फ्लैट गिरती है। हालांकि जो एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग की टाइमिंग की वजह से कुछ कॉमेडी भले आपको होते हुए दिखे, जिस वजह से आपको पार्ट्स में कहीं कहीं थोड़ी स्माइल आ जाए, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट से ढूंढने की कोशिश करेंगे कॉमेडी, तो कॉमेडी दोस्तों स्क्रिप्ट में आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी। इस वजह से जो लेंथ आपको लगेगी, जो ऑलमोस्ट 2 घंटे की लेंथ है इस मूवी की, वो भी आपको दोस्तों लंबी लगेगी, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन से आप इसे देखेंगे कि आपको एक हॉरर कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, इसमें ना तो दोस्तों हॉरर है ना इसमें कॉमेडी है। जो भी कुछ मूवी के कैरेक्टर्स ने इसे उठाने की कोशिश की है वही है। इसकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, इसके प्लॉट आइडिया में ज़रूर दम है। तो दोस्तों, प्लॉट फ्रेश है, एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब है, स्क्रिप्ट में कहीं भी आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन कैरेक्टर्स ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट को प्ले करने की कोशिश की है, उस वजह से पार्ट्स में आपको थोड़ी बहुत हंसी आ सकती है। अगर आप हॉरर कॉमेडी मूवीज़ के फ़ैन हैं, विजय सेतुपति को थोड़ा सा ऐसे एंगल में देखना चाहते हैं, इसके साथ साथ तापसी पन्नू के फ़ैन हैं, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आप इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के इस मूवी को देखने की कोशिश मत करिएगा, आप काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे। मैंने इस मूवी को पूरा फिनिश भी नहीं किया, मैंने बीच में बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा क्विक रिव्यू आपको, जहाँ पे मैंने बता दिया कि एनाबेल सेतुपति कैसी है। अभी स्ट्रीम कर रही है डिस्नी हॉटस्टार पर, आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।